हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 आईसीएसई चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स एक्सरसाइज 18.1 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनती है वो बनाना सिखाता हूँ, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन जो 18.1 एक्सरसाइज के इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए फिर टेबल बनाते हैं। अब टेबल क्या है, जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है किस एंगल पे उसका कितना वैल्यू है वो आपको निकालना होगा। वैसे वैल्यू आपको याद होना चाहिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इन वैल्यूज को याद अगर नहीं भी हो पा रहे हैं तो बनाने का तरीका सीख सकते हैं। देखिए किस तरह से, सबसे पहले सारे रेशियोज लिखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी ऑर्डर में रखिएगा। उससे फायदा से भी होगा कि बनाने का जो तरीका है वो काफी आसान रहेगा। ठीक है, तो साइन कॉस टेन, फिर साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, फिर कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, अब कौन कौन से एंगल्स पर हमें इसे चेक करना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। इन सारे एंगल्स पर हमें इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बनाया कैसे जाता है वो समझिए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले स्टार्ट कीजिए 0, 1, 2, 3 और 4, सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए। जी हाँ, ठीक है, सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब पर एक रूट लगा दीजिए। ये लीजिए, हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक की कंटीन्यूअस काउंटिंग लिखी, सभी को 4 से डिवाइड किया और सब पे अंडर रूट लगा दिया। अब देख रहे हैं वैल्यू कितना आ गया, ये 0 ही आ गया। ये वैल्यू कितना आया 1/2, ये वैल्यू कितना आया देखो, ये आया आपके पास 1/√2, ये वैल्यू आया √3/2 और ये वैल्यू आया 1। साइन की सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, वो किस तरह से देखो, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अगर साइन की सारी वैल्यूज पता है आपको तो पूरा चार्ट बहुत आसानी से बन जाएगा। कैसे, देखिए कॉस की वैल्यू वहां रिवर्स कीजिए साइन वाली वैल्यू से, वो कैसे, पहले 1 लिखिए, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। ये लीजिए, अगर साइन की सारी वैल्यूज पता है अपने को तो देखिए कॉस की वैल्यूज अपने आप आ गई, बस वहां से उल्टा स्टार्ट करना है। ठीक है, अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा की वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। तो 0/1 = 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3, 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 1, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 √3 और 1 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, मतलब इंफिनिटी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड लिख सकते हो, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब कोसेक क्या है, कोसेक साइन का रिवर्स होता है, तो साइन की सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके लिख दीजिए। चलिए 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। सेक क्या होता है, सेक कॉस थीटा का रिवर्स होता है, तो कॉस थीटा की सारी वैल्यू रिवर्स कर दीजिए, तो 1 का उल्टा 1, अब √3/2 का उल्टा हो गया 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 और 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। नाउ cot थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है tan थीटा का रिवर्स, तो tan थीटा की सारी वैल्यू रिवर्स कर दीजिए, 0 का रिवर्स नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रिवर्स √3, 1 का रिवर्स 1, √3 का रिवर्स 1/√3 और नॉट डिफाइंड का रिवर्स 0। तो ये लीजिए पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मेरा तैयार है। वैसे वैल्यूज आपको याद हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो टेबल बनाने का तरीका मैंने आपको दिखा दिया। अब अपनी एक्सरसाइज 18.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तीन पार्ट है, पहला मैंने पार्ट लिख दिया है। अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ 2 sin 2 थीटा इज √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, पहले इस 2 को √3 के नीचे लाइए, ये कितना हो जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब क्वेश्चन को किस तरह से करना है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो चेक करो साइन का वो कौन सा एंगल है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में जो हमने शुरू में सीखा, जिसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2 होती है, मतलब हम कैसे लिखेंगे कि अगर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, तो फिर ये जो थीटा है पूरा आपका जिसको 2 थीटा बोल रहे हैं वो कौन से एंगल पर होता है, 60 डिग्री पर। बस हमने क्या किया, साइन 2 थीटा इज √3/2, तो ये साइन थीटा की वैल्यू √3/2 कब होगी, जब थीटा 60 डिग्री होगा। बस यहां से थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना 60/2, देयरफॉर
थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। शानदार क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्लियर हुआ, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट देखिए इसका, कह रहा है इफ कॉस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन 60 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। काफी आसान क्वेश्चन है, सबसे पहले चेक करिए क्या आपके पास साइन 60 का वैल्यू मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से, तो हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, तो वही डालते हैं। तो कॉस 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट इज साइन 60, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। अब इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरह ही करने वाला हूं, देखो कि कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो कॉस थीटा √3/2 होता है जब थीटा होता है 30 डिग्री। तो बस थीटा मतलब 20 प्लस एक्स इसका एक्चुअल में थीटा है, तो जब थीटा होता है 30 डिग्री तब कॉस थीटा √3/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट याद होना चाहिए तभी आप ऐसे प्रश्नों को कर पाओगे, ठीक है। फिर समझ दो, कॉस थीटा का वैल्यू √3/2 कब होगा, जब थीटा उसका 30 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा 30 पे ही कॉस √3/2 होता है। बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, 20 को उधर ले जाइए, एक्स इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस का 20 डिग्री, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज 10 डिग्री। ये पार्ट भी फिनिश हुआ। चलिए थर्ड पार्ट मैंने लिख दिया है, कह रहा है कि इफ 3 sin स्क्वायर थीटा इज 2 1/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आसान है, चलिए देखते हैं, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को सही करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। तो 3 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 2 8 प्लस 1 9 9/4। अब इस 3 को नीचे लाइए, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9/4 * 3, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आया sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। ये sin का स्क्वायर हटाइए यहां से, तो sin थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/4 जो कितना हुआ √3/2। लेकिन अपने को sin थीटा का वैल्यू नहीं चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए, तो चेक करो कि sin थीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है। आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट हमने शुरू में सीखा है उसमें sin थीटा √3/2 कौन से एंगल पर है, तो चेक कर लो sin थीटा √3/2 हमेशा होता है जब थीटा होता है 60 डिग्री। तो ये लीजिए वैल्यू ऑफ थीटा आ गई 60 डिग्री, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, शानदार क्वेश्चन है 12। कह रहा है कि इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये कंडीशन हमें दी हुई है, पहले कहता है कि थीटा का वैल्यू निकालिए और फिर इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूं इस cos को sin के नीचे ले आता हूं, ये आएगा sin अपॉन cos इज इक्वल टू 1। नाउ व्हाट इज sin अपॉन cos, sin अपॉन cos होता है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू 1 आ गई। तो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट में चेक करिए कि tan थीटा का वैल्यू 1 कौन से एंगल पर आता है, मतलब थीटा उस समय कितने डिग्री होता है जब tan 1 आता है। तो आप देख सकते हो आपका जो थीटा है वो 45 डिग्री होगा, मतलब tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो यहां से हमें पहले पार्ट का आंसर मिल गया कि फाइंड थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 45। अब इवैल्यूएट करना है इस एक्सप्रेशन को जब थीटा हम 45 निकाल चुके हैं, चलिए पुट कर देते हैं। तो 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस का 1, व्हाट इज tan 45, 1 स्क्वायर लग रहा आप भी लगा दीजिए, प्लस sin स्क्वायर 45, तो sin 45 होता है 1/√2, स्क्वायर लग रहा आप भी लगाइए माइनस का 1, तो 2 प्लस 1/2 माइनस 1। अब 2 में से 1 गया 1, 1 प्लस 1/2, चलिए वैल्यू लेते हैं, तो ये आएगा 1 2 2 इनटू ऊपर वाला नंबर प्लस 2 1 2 इनटू ऊपर वाला नंबर, तो 2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2। तो ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया था इवैल्यूएट करने के लिए वो आया आपके पास 3/2 और जो थीटा का वैल्यू आया वो आया 45 डिग्री। क्वेश्चन फिनिश हुआ। चलिए एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 13 मैंने लिख दिया है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी शानदार। आपको एक फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, नाम मैंने एबीसी दे दिया है, राइट ट्राइंगल है, और जिसमें ए बी दिया है √3, बी सी दिया है 1 और ए सी का वैल्यू वाई है, जबकि एंगल ए सी बी एक्स डिग्री है। अब हमें इसमें निकालना क्या क्या वो देखिए, टेन एक्स डिग्री निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, कॉस एक्स डिग्री निकालना है, फिर कह रहा है यूज साइन एक्स डिग्री टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। चलो पहला पार्ट देखते हैं। अब राइट ट्राइंगल में जो टेन है वो कौन सी दो साइड का रेशियो है, तो उसको याद रखने का एक तरीका है, कैसे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये सोना मतलब साइन थीटा हो गया, चांदी मतलब कॉस थीटा हो गया, और तोले मतलब टेन थीटा हो गया। हमको टेन का ही रिलेशन चाहिए, तो टेन थीटा क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को टेन थीटा बोलते हैं। तो ये आपका आ गया परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज और ये आपका बेस। में लिख देता हूं कि जो राइट एंगल होता है उसके सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, जिस एंगल को आप चुन रहे हो, जैसे टेन एक्स, तो एक्स एंगल चुन रहे हो, तो उस एंगल के सामने परपेंडिकुलर और बची हुई साइड आपकी बेस होती है, ठीक है।
तो हमें चाहिए टेन एक्स डिग्री। हमारा रिलेशन क्या है टेन एक्स का, परपेंडिकुलर अपॉन बी। तो कैसे लिखूंगा देखिए, टेन एक्स डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी, परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस बी सी। वैल्यूज डालते हैं तो टेन एक्स डिग्री इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन वन। अब देखो यार बस टेन एक्स डिग्री आ गया अपना, क्योंकि तो पहला आंसर क्या था फाइंड टेन एक्स डिग्री। तो पहला आंसर टेन एक्स डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, रूट थ्री आ गया। अब सेकंड पार्ट देखो, उस टेन एक्स डिग्री को निकालने के बाद एक्स का वैल्यू निकालना है। देखो बड़ा सा है ये, टेन एक्स का वैल्यू रूट थ्री कौन सा एंगल पर होता है, तो ये आप अपना ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट देखो और चेक करो कि टेन एक्स का वैल्यू रूट थ्री कब होता है, जब आपका जो एंगल होता है वो होता है 60 डिग्री। ये लीजिए एक्स का वैल्यू 60 डिग्री आ गया। थर्ड पार्ट में मुझे कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स मुझे पता है 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए। अब कॉस 60 डिग्री का वैल्यू चार्ट से चेक कर लीजिए, 1/2 होता है। ये लीजिए वो भी आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट देखिए कि यूज करना है साइन एक्स डिग्री और वैल्यू निकालनी है वाई की, मतलब साइन का रिलेशन यूज करके वाई का वैल्यू निकालना है। चलो देखो, तो साइन क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन एक्स, जो कि हम कितना निकाल चुके हैं 60 डिग्री। तो ए बी है आपके पास रूट थ्री और ए सी है आपके पास वाई, और साइन 60 का वैल्यू अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट से देखें तो वो होता है रूट थ्री अपॉन टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो रूट थ्री अपॉन टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू वाई, रूट थ्री से रूट थ्री चला गया एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, वाई का वैल्यू आया 2। तो क्वेश्चन में था कि साइन रिलेशन यूज करके ही वाई निकालना है, तो साइन रिलेशन यूज करके मैंने वाई निकाला 2। ये लीजिए चार पार्ट थे, चारों पार्ट का आंसर आ गया, क्वेश्चन फिनिश हुआ। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।